गाइस तो आ गए हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं फिर से ले आई हूँ तबाही टाइम्स रश गेम प्ले का वीडियो। तो गाइस यहाँ पे लैंड करते करते आई थिंक आप लोगों को आँख में पड़ गया होगा कि कितना सारे बंदे यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक ही जगह क्यों लैंड करती हूँ। गाइस इसका आगे भी मैं बोला था कि एक जगह पे मैं लैंड करने का एक बड़ा रीज़न है, वो है कि यहाँ पे भर भर के बंदा मिलता है। वैसे गाइस इस मैच में तो लगता है ज़्यादा ही मिल गया था, और मेरा नल्ला टीम मेट पता नहीं कौन है, रैंडम मिला था। बट ये टीम में तो कुछ भी मतलब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे देखने के टाइम पर लगता था कि गान पकड़ने के लिए ही आया है मैच के अंदर। तो जो भी एक हर चलो यहाँ पे देखो बगरबाजी करते करते एक किल कर चुकी थी, बट यहाँ पे और भी बंदा था। मतलब बैक टू बैक आप लोगों को रश ये देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, एंड काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे देखो आप लोग आई थिंक देख पा रहे हो कि कितना सारे बंदे बैक टू बैक आ रही है। मुझे लग रही थी कि इस मैच के अंदर के इस मोड पे तो आप लोग तो जानते हो कि मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है। तो जो भी है मुझे लगता है कि पुनर्जन्म हो के फिर यहाँ पे आ रही है मुझे मारने के लिए, मुझे लगता है, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ। तो जो भी है खैर छोड़ो, वो पुनर्जन्म हो या 10 जन्म हो मुझे कोई परवाह नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे पूरा से पूरा साफ करने के लिए। ठीक है तो यहाँ पे देखो जो भी है जितना हो सके मैं क्लियर किया था, बट अभी भी बाकी है बाहर। तो देखो सामने बंदा है, कैसे लिफ्ट आती हूँ इस बंदे को। तो देखेगा सच बोलो सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रही है बंदा लोग, मतलब इतना मतलब बंदे लोग आ जा रही है। पता नहीं कितने सारे बंदे लैंड किया था, बट मैं बोला ही हूँ कि बंदा मर जा रही है, फिर जाके फिर से आ रही है इधर ही मुझे मारने के लिए, मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो जो भी खैर छोड़ो यहाँ पे जितना हो सके मैं क्लियर किया था। आप सामने देखो ऊपर ही बंदा है, कैसे क्लियर करते हो, और ये बहुत टाइम से कैम्प कर रही थी ये बंदा। और गाइस आप लोग आई थिंक नोटिस किए होगा कि मेरा जो टीम मेट है ये पता नहीं क्या कर रहे, एक बार इधर एक बार उधर। तो जो भी है सच बोलो तो एक एक टाइम पे मैं नज़र जा रही थी उसके ऊपर, मतलब दिमाग खराब हो जा रही थी उसका, मतलब ये सब देखते देखते। तो यहाँ पे देखो जाते जाते एक केडी के साथ मुलाकात होता है, वैसे केडी को मैं बहुत अच्छे से पेटी बना देती हूँ। और यहाँ पे आई थिंक आप लोग देख ही पा रहे हो कितना सारा पेटी एंड पेटी है, एंड गाइस इसका सब जितना पेटी देख पा रहे हो मैं ही किल किया हूँ। ठीक है हाँ हो सके एक दो तीन हो सके कि बंदा लोग क्या है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पेटी मतलब मैं सबको किल किया था। और अगर सच बोलो तो मतलब बंदा ऐसे से जगह पे छुपता है, ऐसे से जगह पे सबसे ज़्यादा घास होता है, मतलब पूरा साफ हो जाता है, तो ऐसे जगह पे छुपता है मतलब आप से भी कुछ काम नहीं होता है, मतलब ऐसा ही सिचुएशन आ जाता है। तो सामने बंदा बंदा है और भी, देखो कैसे लिपटा तू। वैसे लास्ट तक वीडियो को देखो, आई होप बहुत अच्छा लगेगा, तो देख लो। आप गए जाते जाते एक बंदे के साथ मुलाकात होता है, वैसे मैं देख पाती हूँ, तो इसको भी बहुत अच्छे से लिपटाया था। एंड मेरा टीममेट कुछ भी काम भी नहीं है इसका, काम धाम नहीं है जिसको बोलता है। तो ये बंदा ओपन में दौड़ रही है, मतलब कुछ भी कहाँ पे भी सपोर्ट लेना चाहिए, कोवा लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं मैं मार दिया था एनिमी को। वैसे ये जो मेरा जो टीममेट है वे पूरा से पूरा मतलब नॉक हो गई थी, क्या ही कर सकती हूँ, ओपन में ऐसे घूमेगा तो ऐसा हो गई। तो जो भी आप बग्गे लेके नेक्स्ट किल को पड़ जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या ही सीन हुआ, एक बंदे पेड़ के पीछे बहुत टाइम से मतलब कवर ले रही थी, बोल सकते तो टीपी भी ले रही थी मुझे मारने के लिए, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसको मैं पेटी बना दिया था। बहुत कोशिश किया था खुद को बचाने के लिए, बट क्या ही कर सकती हूँ ना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अब उसके साथ साथ पहाड़ी के ऊपर भी एक बंदा था, इसको भी ख़त्म कर दिया था। आप देखो जोन भी आ रही है, आप बग्गी लेके नेक्स्ट किल के ऊपर जाऊँगी।
आप गाइस एक घर के सामने सामने एक घर है, वहाँ पे ही बंदा आँख में पड़ा था। तो मैं सोचा थोड़ा टीपी वीपी लेके थोड़ा मतलब फायर मैन करती हूँ, देखती हूँ काम होते है नहीं होता है, बट हाँ काम हो जाता है। तो देखो कैसे फिनिश करती हूँ। तो देखा गाइस टीपी वी लेना भी जरूरत होता है थोड़ा थोड़ा टाइम पे, ऑल टाइम अगर टीपी वी लूंगी तो कैसा रश होगा। तो जो भी खर्च हो यहाँ पे जो बंदा था मैं इसको क्लियर कर दिया था। अब बग्गी लेके नेक्स्ट किल के ऊपर जाऊंगी एंड यहाँ पे बहुत सारे बेकट ऐसे थोड़ा फायर आता है, ठीक है। तो देखो ये बंदों को कैसे निपटाती होती। तो ऐसे करके हो जाता है फाइनली चिकन डिनर। तो गाइस अच्छे गेम प्ले का वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए टाटा।